नमस्कार राष्ट्र मिलिट्री स्कूल सक्सेस स्टोरी में मित्रों, आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है युवराज पाली, जो सैनिक स्कूल का भी फाइनल रूप से चयनित विद्यार्थी है और आज राष्ट्र मिलिट्री स्कूल में भी बेटा फाइनल रूप से चयनित हो गया है। बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। युवराज, आप अपना इंट्रोडक्शन स्टूडियो के माध्यम से व्यूवर्स को दें। सर, माय नेम इज युवराज सिंह राठौर। माय फादर्स नेम इज जबर सिंह। माय मदर्स नेम इज रिंकू कंवर। माय फादर इज एन आर्मी मैन। माय मदर इज एन होममेकर। आई बिलोंग टू पाली राजस्थान। आई स्टडी इन क्लास 6। माय एम इज टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। बहुत बहुत बढ़िया। बेटे को, बेटे का एम है बिकम ऑफिसर, अधिकारी बनना भारतीय सेना में। बेटे के माता जी गृहिणी हैं। बेटे के पिताजी श्रीमान जब्बर सिंह जी भारतीय सेना में कार्यरत हैं। मैं माताजी और पिताजी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने लाडले बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को इस संस्थान में भेजा। इस संस्थान को राष्ट्र मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की तैयारी करवाने के काबिल समझा और संस्थान की मैनेजमेंट टीम और फैकल्टी टीम का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिन्होंने अभिभावक की उम्मीद पर खरे उतरे और बेटे का सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों में सिलेक्शन करवा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं मेरी बात फिर से कोट करना चाहूँगा, बेटा युवराज सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का छात्र है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर का फाइनल रूप से चयनित छात्र है। बेटे का दोनों में सिलेक्शन होना विद्यालय के लिए भी गौरवशाली बात है और माता पिता के लिए भी गौरवशाली और सौभाग्यशाली बात है। इसके लिए माता पिता का शुक्रिया। मैं युवराज से पहला क्वेश्चन करूंगा कि बेटा युवराज, आप इस संस्थान के बारे में क्या कहना चाहोगे शुरुआती दिनों से लेकर आपके जब रिजल्ट्स आए हैं तब तक के लिए? स्टार्टिंग के दिनों में मन नहीं लगता था, घर की याद आती थी, पढ़ने का मन नहीं करता था। फिर यहाँ के टीचर्स और वार्डन का बहुत अच्छा सहयोग रहा, घर जैसा माहौल है यहाँ का, और बाद में पढ़ाई में मन लगने लगा धीरे धीरे। फिर टेस्ट की सीरीज़ आ गई, टेस्ट की सीरीज से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। फिर सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम आ गए, उसको फाइट किया और रिजल्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। फिर मिलिट्री स्कूल की एग्ज़ाम आ गई, उसके लिए तैयारी करी और उसके एग्ज़ाम को फाइट किया और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया। अच्छा आया मीन्स बेटा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और राष्ट्र मिलिट्री स्कूल अजमेर के लिए चयनित हुआ है। बेटा युवराज, आप स्टूडियो के माध्यम से व्यूवर्स को बताएं, आपके राष्ट्र मिलिट्री स्कूल के पेपर पैटर्न पर कितने टेस्ट आयोजित हुए थे? 50+ टेस्ट का आयोजन किया गया था, जो राष्ट्र मिलिट्री स्कूल के पेपर पैटर्न पर आयोजित किए गए थे। मैं बेटे युवराज आपसे जानना चाहूँगा कि अपने यहाँ आपने लगभग 12 महीने का सफ़र तय किया है, उसके दौरान आपने यहाँ खाने का किस प्रकार का सिस्टम देखा है, कि आपकी भोजन शैली क्या है, भोजन करवाने का तरीका क्या है, भोजन में क्या क्या मिलता है, कितने टाइम मिलता है, स्टूडियो के माध्यम से व्यूवर्स को बताएं बेटा। यहाँ संस्थान में भोजन 4 टाइम मिलता है, सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को फिर से नाश्ता और रात्रि भोजन। और यहाँ पे खाने में, भोजन में, नाश्ते में हर दिन अलग अलग चीज़ मिलती है और भोजन में दाल चावल, अलग अलग सब्जियाँ, छाछ, दोपहर को छाछ और रोटियाँ मिलती हैं। और रात्रि के भोजन में भी यही मिलता है, छाछ की जगह दूध, एक दिन दूध और एक दिन खीर। बेटा युवराज सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के लिए भी फाइनल रूप से चयनित हुआ और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के लिए भी चयनित हुआ। बेटे को फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। आने वाले टाइम में बेटा भारतीय सेना का भावी अधिकारी पद पर रहकर अपने माता पिता और संस्थान का नाम रोशन करेगा। आशा और विश्वास से कहता हूँ कि डेफिनेटली बच्चा क्लास 12th के बाद NDA क्रैक करेगा और NDA खड़गवासला या SSB
क्लियर करके अधिकारी पद पर तैनात रहकर अपने माता पिता और अपने संस्थान का नाम रोशन करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मतलब।